हाय दोस्तों, मैं हूं अनिल और ये हमारी प्रीमियर पद्मिनी 80s के ज़माने का मॉडल है और इसका जो माइलेज है दोस्तों करीबन 3-4 का माइलेज दे रही है, यानी 1 लीटर में दोस्तों ये 3-4 का माइलेज दे रही है। और दोस्तों हम इसकी जो कार्बोरेटर किट आती है ना, वो मेजर किट, उसका किट पूरा नया डालने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एक टाइम बाद प्रीमियर पद्मिनी का जो जेट रहता ना उसका होल बड़ा हो जाता है और उसके कारण जो प्रीमियर पद्मिनी का एवरेज है वो घटकर 3-4 किलोमीटर उससे भी कम आ जाता है। और वो किट डालने के बाद दोस्तों इसका एवरेज जो वो बढ़ जाता है, तो हम इसमें कार्बोरेटर किट डालने वाले हैं। और ये हमारी कार्बोरेटर किट है, करीबन इसका प्राइस 1200 रुपये है, मुश्किल से मिला है मुझे दोस्तों, मैंने पुणे से मंगवाया था। और दोस्तों अभी ये जो मेजर किट है इसको बोलते हैं, ये पूरी तरह से हम इसमें कार्बोरेटर में लगाएंगे पूरा खोल खार के, और यहाँ पे हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैंने अपने राणा अंकल है उनके वर्कशॉप में लाया है, अभी वही इसको पूरा साफ करके इसको अच्छे से इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर हम दोस्तों इसका माइलेज टेस्ट करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ कि यानी कितना माइलेज देती है, फिर आगे चल के हम देखते हैं। अभी और मालूम है क्या भैया, उसने क्या किया? ये प्रीमियर कार्बोरेटर रिपेयर किट डाल रहे हैं, इसके डालने के बाद में गाड़ी की एवरेज का पता लगेगा, एवरेज बहुत कम आ रही है गाड़ी की। इसके लिए हमने कार्बोरेटर पूरा खोल लिया है, अब क्या प्रोसीजर, पहले तो उसको पूरा क्लीन करेंगे अच्छे से, बाद में जो किट है पूरी इसको फिर हम पूरा असेंबल करेंगे, उसके बाद में आप आगे बताते हैं आपको फिर कैसे कैसे करना है। कोई तार बांध लें इसको ना, हाँ बंद कर दे गाड़ी। दोस्तों अंकल ने कार्बोरेटर किट थी पूरी कंप्लीट लगा ली थी, पर हमें दोस्तों एक यहाँ पे अंकल को और मुझे यहाँ पे एक डाउट आया था, जो कार्बोरेटर था दोस्तों उसमें एक डब्बी रहती है
जो कि पेट्रोल में ऊपर नीचे होती रहती है, वो जो नई वाली डब्बी थी ना दोस्तों, वो थोड़ा सा हमको डाउट लगा कि ये यानी पेट्रोल अंदर ले रही है, तो वो डब्बी को हमने पुरानी वाली डब्बी से चेंज किया, पुरानी वाली लगा ली। बाकी दोस्तों इस कार्बोरेटर में सब कुछ नया था। बाकी तो दोस्तों चलाने में, उसके बाद मैंने चलाई तो बहुत ही बढ़िया चली, स्टार्ट की हो गई और घर लेके गया। कई बार मैंने गाड़ी चलाई, उसके बाद दोस्तों मैंने माइलेज टेस्ट किया तो मैं आगे बताता हूँ, तो पहले आप वीडियो देखिए। चल चल कर, चौक देना पड़ेगा नहीं। तो माइलेज का प्रॉब्लम है, वो करीबन 30-40 हज़ार चलाने के बाद आता है, यानी कि आप ज़्यादा ड्राइविंग करते हो तो इसका होल बड़ा हो जाता है, वो बदलना पड़ता है। इतना कुछ महंगा नहीं आता, पर हमने इसमें पूरा मेजर किट जो है पूरी कंप्लीट लगा ली, क्योंकि उसमें पेट्रोल लीक जाता था, तो हमने लगा ली, इंस्टॉलेशन कर लिया है। आगे हम देखते हैं। तो आप इसको गौर से देखिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जो जेट है जिसका होल बड़ा हो जाता है तो वो उसका जो पेट्रोल फेंकता है ना, यानी एक्सीलेटर देने के बाद, वो ज़्यादा ही दिखता है। और अभी हमने नया जो जेट लगाया तो वो जितना चाहिए उतना ही फेंक रहा है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं फेंक रहा है, इससे आपका एवरेज जो है बढ़ जाता है। पर दोस्तों हमारी जो पेट्रोल टैंक थी वो तो हमने क्लीन करवा के लाया था, पर दोस्तों पेट्रोल में हम कैसे भी डालते हैं तो कचरा रहता है, और उसको कचरे को रोकने के लिए फ्यूल फिल्टर लगाया है। यहाँ पर अंकल ने दूसरे कार का, यानी कि हमने फ्यूल फिल्टर ला के लगाया है, जिससे कि कार्बोरेटर में कचरा ना जाए। तो यहाँ पर हमारी कार हो गई थी कम्प्लीट, और रात ज़्यादा हो गई तो हमने वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद दोस्तों कल सुबह ही हमने इसका दूसरा जो वीडियो बनाया, उसमें हमने पेट्रोल टैंक पूरी तरह से खाली कर ली, उसमें 3 लीटर पेट्रोल डाला था। करीबन हमारा एवरेज जो निकल आके आया था, यानी पहले 4-5 का एवरेज दे रही थी, अभी करीबन 8-9 का एवरेज दे रही थी। यहाँ पर हमारी गाड़ी में कुछ तो और भी गड़बड़ है ऐसा लग रहा, तो हम उसको चेक करते हैं और वीडियो यहीं पर रोक देते हैं हम, और आप इसको एंजॉय कीजिए।